हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक ट्यूटोरियल्स। गाइस आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम ये सीखेंगे कि हम एक ऑक्टागन को कैसे कट करेंगे एक स्क्वायर के अंदर से। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर गाइस इस बार सीजीएल मेंस में दो क्वेश्चन तो मैं देख चुका हूँ। मैंने अभी सारे पेपर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, लेकिन जो पेपर्स मैंने देखे हैं तो एक क्वेश्चन मुझे 17th वाले में दिखा, एक क्वेश्चन मुझे 20th वाला जो पेपर था उसमें दिखा। ओके, दोनों ये टॉपिक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस टॉपिक है। बाकी एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, एसएससी में अब तक नहीं आते थे बट अब आने लगे हैं। तो अब आप अच्छे खासे चांस है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन जो अब जो एग्जाम आ रहे हैं आगे सीपीओ का हुआ फिर सीजीएल का आएगा उसमें, तो आपको ये प्री के अंदर भी रिपीट होता हुआ दिख सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, अगर कंसेप्ट पता हो तो विद इन सेकंड्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट नहीं पता हो तो फिर आप टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, तो पहले हम इस कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम जानेंगे कि क्या क्वेश्चन आए थे। जो 17th वाले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन गलत था। उन्होंने क्या किया, जो एसएससी के एक्सपर्ट हैं उन्होंने रेक्टेंगल के अंदर से एक ऑक्टागन कट कर दिया। तो गाइज एक रेक्टेंगल के अंदर से रेगुलर ऑक्टागन कट करना पॉसिबल नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा तो उन्होंने सोचा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाते हैं, तो उन्होंने स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल लिख दिया और वो क्वेश्चन गलत हो गया। एक क्वेश्चन जो 20 वाले पेपर में आया था वो क्वेश्चन सही था बट उसके चारों के चारों ऑप्शंस गलत थे, उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ बट उनसे जो सही आंसर था वो नहीं निकला। तो जो चारों ऑप्शन थे वो गलत थे, उसका आंसर कुछ और था। ओके, तो पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ था। ओके, देखो पहले तो गाइस हम ये देखते हैं कि ऑक्टागन क्या होता है। तो ऑक्टागन गाइस जो रेगुलर ऑक्टागन होता है उसकी 8 साइड होती हैं और 8ों की 8ों साइड जो है इक्वल होती है, इसीलिए उसको रेगुलर ऑक्टागन कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये इसकी 8 साइड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इसकी 8 साइड हैं और ये 8ों की 8ों साइड आपस में इक्वल होगी। ओके, तो गाइज बेसिकली लोग क्या करते हैं, स्क्वायर के अंदर से ऑक्टागन काट दिया। हम यहाँ पे उल्टा चलेंगे, हम एक ऑक्टागन की साइड्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि क्या फिगर बनता है। जो फिगर बनेगा उसी फिगर में से आप ऑक्टागन काट सकते हैं, उसके अलावा किसी और फिगर में से आप ऑक्टागन नहीं काट पाएंगे। ठीक है, अब ये जो फिगर बना है ये अगर एक स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के अंदर से एक ऑक्टागन काट सकते हैं, एक रेक्टेंगल होगा तो वहां से काट सकते हैं, कुछ और होगा तो वो देखेंगे। ठीक है, तो हम ये पता लगाएंगे कि ये फिगर क्या बना है। ठीक है, बस आपको क्या दिया है यहाँ पे एग्जाम में, ये वाला फिगर दे दिया है और उसके अंदर से बोला है कि एक काट दो तो बताओ इसका साइड क्या होगा। तो देखो सबसे पहली बात, जो एक ऑक्टागन होता है उसका एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। तो आपको पता है किसी भी हम पॉलीगन का जब एक्सटर्नल एंगल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है सिंपल, 360 अपॉन एन। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे ऑक्टागन है 8 साइड है तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32, है ना, 45। तो जो आपका ये एंगल है ये आएगा 45 का, ये भी कितने का होगा, 45 का। अब देखो ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। तो ये 45, ये 45, तीनों का सम होगा 180, तो ये कितने का बचेगा, 90 का। तो ये क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब दो एंगल इक्वल हैं तो मतलब दो साइड भी इक्वल होंगी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी, तो ये क्या बनेगा, एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। सेम केस यहाँ पे बनेगा, ये राइट एंगल बनेगा, ये 45 का, ये 45 का, ये जो है इसके इक्वल होगी। सेम केस यहाँ पर बनेगा, ये जो है इसके इक्वल होगी, ये 90 का, और सेम केस यहाँ बनेगा, ये 90 का, ये दोनों इसके इक्वल होगी और ये कितने का होगा, 45 का। अब देखो ट्रायंगल सारे के सारे सिमिलर होंगे क्योंकि सब में सेम एंगल है। अब क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है तो इसकी सारी साइड इक्वल है, ठीक है, तो अगर ये जो है साइड इसकी, इसको हमने जेड मान लिया तो ये भी कितनी होगी, जेड होगी, ये भी कितनी होगी, जेड, ये भी जेड, ये भी जेड, ये भी जेड, ये भी जेड और ये भी जेड, सारा इसकी सारी की सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होगी। अब देखो ये 45 का ट्रायंगल है, ये इसकी साइड कितनी है, जेड है, इसको हमने मान लिया एक्स, इसको हमने मान लिया एक्स, इसको माना वाई, इसको माना वाई। देखो पहली बात तो ये देखो कि ये जो फिगर बना है बाहर वाला, इसमें चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो या तो ये कि स्क्वायर होगा या फिर ये कि रेक्टेंगल होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो आपकी बाकी चीज़ें सारी खत्म हो चुकी हैं, सिर्फ स्क्वायर या रेक्टेंगल बचा है, उसमें से हमको देखना है। ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गया,
एक्स स्क्वायर बराबर होगा जेड स्क्वायर के। ये कहाँ से आ रहा, ये आया पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये आपका टू एक्स स्क्वायर बराबर होगा जेड स्क्वायर के। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा जेड स्क्वायर के। तो टू वाई स्क्वायर बराबर होगा जेड स्क्वायर के। गाइज ये मैं आपको एकदम, वैसे आपको दिख रहा होगा कि ये सारे ट्राइंगल जो है एकदम सेम होंगे, इनकी सारी लेंथ जो है सेम होंगी, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक मैथमेटिक्स से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा। क्योंकि एक बार अगर आपकी समझ में आ गया तो फिर इसके ऊपर कितना भी अच्छा क्वेश्चन आपको वो दे दे, आप विद इन सेकेंड्स उसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको उसमें हमेशा टाइम लगेगा। और टाइम जो है हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है, वहाँ पर हमें सोचना नहीं है कि क्या करना है, वहाँ पर हमें सिर्फ काम करना है। सोचने का काम हमें एग्जाम से पहले करना है सारा, ठीक है। तो सोचने का हम अभी करेंगे, एग्जाम में जाके सिर्फ हम अपना कंसेप्ट यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखो, यहाँ भी जेड स्क्वायर, यहाँ भी जेड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, टू एक्स स्क्वायर बराबर है टू वाई स्क्वायर के। टू से टू गया, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो एक्स बराबर आएगा वाई के। इसका मतलब ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ये भी क्या होगा, एक्स होगा। तो देखो ये जो लाइन है इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है गाइज एक्स प्लस जेड, तो यानी कि टू एक्स प्लस जेड। ये जो लाइन है इसकी लेंथ क्या होगी, तो देखो अगर ये x है तो सेम चीज़ जैसे हमने यहाँ पे निकाला ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये भी x के बराबर आएगा, ये भी x के बराबर आएगा। तो इसकी लेंथ क्या होगी, x प्लस एक्स, ये क्या है z, तो यानी कि 2x प्लस z। यहाँ भी हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं, अगर ये x है तो ये भी x आएगा, ये भी x आएगा। तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, x प्लस z, यानी कि 2x दिख रहा है ना, प्लस z, ठीक है। और सेम चीज़ जो ये वाली लेंथ है ये भी क्या होगी, 2x प्लस जेड। अब देखो चारों साइडों की वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड, जो सारी साइड हैं उनकी वैल्यू सेम आ गई, प्लस हर एंगल जो है 90 डिग्री का आ गया, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के आ गए। तो इसका क्या मतलब है, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, चारों साइड की जो लेंथ है वो सेम है, तो मतलब क्या है, ये क्या बना एक, ये बना एक स्क्वायर। तो एक बात यहाँ पे क्लियर होगी कि जो ऑक्टागन है, एक रेगुलर ऑक्टागन, उसे अगर हम किसी फिगर में से कट करेंगे तो वहाँ पे हमारे लिए एक स्क्वायर ही होना चाहिए, एक रेक्टेंगल में से हम इसको कट नहीं कर सकते, पहली बात तो ये, ठीक है। तो एसएससी ने जो 17th को जो क्वेश्चन दिया था वो तो था गलत, तो पहली बात तो आपके दिमाग में ये हमेशा क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इसकी हम लेंथ कैसे निकालेंगे, इसकी साइड्स क्या होंगी, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, अगर हम इसको मान लेते हैं 1, तो ये भी 1 होगी, तो ये क्या होगी, हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2। अब ये एक रेगुलर ऑक्टागन है तो हर साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 है। अब हमें ये पता है कि ये जो है इसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, इसकी वैल्यू 1। तो ये जो स्क्वायर है इसकी पूरी साइड की वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। ये रेगुलर ऑक्टागन है, इसकी साइड की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2। तो ये इनका क्या होगा, रेशियो होगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। तो यहाँ से हम अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2। 2 में से अंडर रूट 2 बाहर गया तो अंडर रूट 2 बचा, यहाँ से अंडर रूट 2 चला गया तो 1 बचा, और यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका जो रेशियो आएगा साइड का, वो आएगा स्क्वायर की साइड तो होगी अंडर रूट 2 प्लस 1 रेशियो, और जो ऑक्टागन है उसकी साइड क्या होगी, 1। तो ये आपका आएगा रेशियो। ये रेशियो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा, अब देखो ये जो क्वेश्चन था जो 20 तारीख के पेपर में आया था, वो क्वेश्चन ऐसे आया था कि एक स्क्वायर है उसकी जो साइड है उसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने उसने आपसे पूछा कि ये जो ऑक्टागन है इसकी साइड की लेंथ क्या होगी। तो जब इसकी 16 है और रेशियो क्या होता है, रूट टू प्लस वन, तो अगर यहाँ पे 16 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, तो सिंपल 16 अपॉन रूट टू प्लस वन इंटू वन करेंगे, रेशियो का बेसिक फॉर्मूला होता है, लेकिन इंटू वन करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वन या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल रेशनलाइजेशन यहाँ पे लगाएंगे तो रूट टू माइनस वन, इसको हटा दो, है ना, अपॉन रूट टू माइनस वन। अब देखो ये क्या है, a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, टू होगा, प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा, वन होगा, तो रूट टू ये बनेगा यहाँ पे आपका रूट टू का स्क्वायर माइनस वन, तो दो में से एक गए तो एक बचे, ठीक है। तो नीचे एक आ रहा है तो एक जो एक को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो एक हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये आपका क्या बचा, 16 इंटू रूट टू माइनस वन। तो जो आपका आंसर दिया था गाइज, वैसे तो आपका आंसर ये होगा, उसने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 रूट टू माइनस 16 ये आपका आंसर होना चाहिए था, लेकिन जो एसएससी ने आंसर जो सही माना था वो माना था ये 16 रूट टू माइनस रूट 16, ये गलत है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, 16 के ऊपर रूट नहीं आएगा, ठीक है। आपका जो सही आंसर है वो आएगा ये 16 रूट टू माइनस 16, ये आपका फाइनल आंसर है और यही सही आंसर है, ओके। तो आपको याद रखना है, तो याद क्या रखना है गाइस, हमेशा ये बात ध्यान रखें कि जब भी एक ऑक्टागन किसी फिगर में से काट दिया उसने, रेगुलर ऑक्टागन, तो वो एक स्क्वायर में से ही पॉसिबल है, पहली बात तो। तो इसके ऊपर एक ट्रू फॉल्स भी आ सकता है कि कहाँ से जो है एक रेगुलर ऑक्टागन हम काट सकते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर होगा स्क्वायर। दूसरी बात ये कि अगर आपको साइड दे दे, एरिया दे दे, तो कहीं से भी आपको क्या करना है, आपको बस रेशियो याद रखना है कि जो स्क्वायर है उसकी साइड होगी रूट टू प्लस वन और जो ऑक्टागन है उसकी साइड होगी वन, ठीक है। तो बस कैसे भी करके आपको यहाँ तक पहुँचना है, किसी एक की साइड निकालनी है, दूसरे की साइड निकाल सकते हैं, साइड निकालने के बाद आप एरिया वगैरह जो आपका मन करे आप वो निकाल सकते हैं, ओके गाइस। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन डायरेक्टली अगर आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ और आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट मैं डालूंगा। थोड़े ही दिनों में मैं अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाला हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अर्थमेटिक गाइज आपकी पूरी की पूरी अर्थमेटिक बिना फॉर्मूले के सॉल्व हो सकती है, वो एकदम बहुत ही जो एक नॉर्मल जो लॉजिक होता है ना, जो आपके और मेरे को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, उस लॉजिक पे वो काम करती है। बस एक बार अगर आपने लॉजिक उसका पकड़ लिया तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारा का सारा खेल अर्थमेटिक में रेशियो के ऊपर चलता है। अगर आपका रेशियो के ऊपर अच्छी कमांड है और आपको पता है कि रेशियो को हम दूसरी दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, परसेंटेज के हिसाब से वो क्या होगा, एवरेज के हिसाब से वो क्या होगा, टाइम एंड वर्क के हिसाब से वो क्या होगा, तो आप बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे और ऐसे कंसेप्ट आपके लिए बहुत सारे आते रहेंगे, ओके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, जो भी आप हमसे कहना चाहते हैं, वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, आगे किस चीज़ की वीडियो चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है स्पेशल आपके पास, कोई कंसेप्ट है जो आप समझना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमें फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करें गाइस, ठीक है, सारे अपडेट मैं वहीं देता हूँ और वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, किसी चीज़ के नोट्स चाहिए, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है, ओके। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, बाय।